A very good morning, students. Students, in chapter 6, factors and multiples, today's our topic is multiples. And about factors, I have already explained you in previous chapter. So today's I will explaining you what is multiples. Okay, students. Firstly, I would like to explain you properties of multiples. So multiples have 6 properties. This first property is every non-zero number has unlimited number of multiples. Every non-zero number जो होंगे उसमें unlimited number of multiples होंगे. For example, multiples of 10 are 10, 20, 30, 40 like this. हमारा 1000, 10,000 crore, okay? Clearly, 10 has unlimited number of multiples, okay? Next property is every number is a multiple of 1. हर नंबर जो भी नंबर होगा सो वो 1 का मल्टीपल होना ही है. वी नो दैट 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. और जैसे हमने अभी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, ऐसे ही मल्टीपल भी होता है. ओके, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. दस मल्टीपल ऑफ 1 आर 1, 2, 3, 100, 101, 102, 1000 लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा वो अपने आप में भी मल्टीपल होगा. सपोज 6 वन जर 6, ओके, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. ओके, 23 वन जर 23, सो 23 इज अ मल्टीपल ऑफ 23 मीन्स इटसेल्फ. 105 इज अ मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 105, सो 105 इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 105. ओके, फोर्थ इज जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर. जीरो जो होता है वो हर नॉन जीरो नंबर का मल्टीपल होता है. वी नो दैट द एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो. ओके, सो जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ नॉन जीरो नंबर. एंड योर फाइव प्रॉपर्टी इज एवरी नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवेन नंबर. मल्टीपल ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20, 25. Okay, clearly each one of them is greater than or equal to the 5. Okay, next, the first multiple of a number is a number itself. The first multiple of a number is a number itself. Okay, suppose your first example is first multiple of 9 is 9. 9 ka pehla multiple kya hoga? 9 hoga. Or first multiple of 23 is 23. एंड सो ऑन. ऐसे जैसे भी करेंगे, अगर हम 6 का मल्टीपल करेंगे तो 6 ही रहेगा फर्स्ट मल्टीपल उसका. मतलब जो भी नंबर हमारे मल्टीपल, हमें जिस भी नंबर के निकालने हैं वो नंबर क्या होगा, अपने आप में फर्स्ट उसका जो भी मल्टीपल होगा वो अपने आप में होगा, इटसेल्फ ही होगा. ओके, व्हाट इट स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. शो डैट 3016 इज द मल्टीपल ऑफ 29. हमें ये बताना है कि 3016 29 का मल्टीपल है या नहीं है. लेट अस डिवाइड 3016 बाय 29. सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3016 को 29 से डिवाइड कर देखेंगे. आफ्टर डिवीजन यहाँ पर हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिला है. ओके, क्लियरली 29 डिवाइड 3016 एग्जैक्टली. जो 3016 है वो 29 से एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है. सो 29 इज द फैक्टर ऑफ 3016. तो हमारा यहाँ पर 3016 फैक्टर हुआ. हैंस 3016 इज अ मल्टीपल ऑफ 29. और अगर 3016 29 का मल्टी फैक्टर है तो हमारा ये इसका जो है मल्टीपल भी होगा. ओके, नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो था, जब हमने 591 की 7 से मल्टीपल डिवाइड करके देखा था तो आफ्टर डिवीजन यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिल रहा था. तो अगर हमारा कोई रिमाइंडर मिल रहा है यहाँ पर, तो अगर रिमाइंडर मिलेगा तो वो ना ही फैक्टर होगा और ना ही वो उस नंबर का मल्टीपल होगा. और अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ और रिमाइंडर बच रहा है, तो ना ही वो मल्टीपल होगा और ना ही वो फैक्टर होगा. और अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, इसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो वो मल्टीपल भी है और फैक्टर भी है. ओके, गॉट इट. एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6. हमें 4 एंड 6 का जो है एलसीएम निकालना है. सो एलसीएम निकालने के लिए पहले हम मल्टीप्ल करके देखेंगे. मल्टीप्लाई करने का मीन्स जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था. ओके, सो 4 की मल्टीप्लाई 1 करेंगे. 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 फोर 4 सिक्सटीन.
लाइक दिस। आप आगे अगर चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो हम यहाँ पर स्टॉप भी कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ सिक्स आर 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। आगे लाइक दिस, इसी की तरह अगर आप आगे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। ओके, सो एलसीएम ऑफ 4 एंड 16 इज 12। 4 एंड 16 का एलसीएम 12 आया। कैसे आया? एलसीएम का मीन्स जो भी कॉमन फैक्ट मल्टीपल है। यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या है? यहाँ पर दोनों ही नंबर में 4 के मल्टीपल अगर देखें और 6 के मल्टीपल अगर हम देखें तो दोनों ही नंबर में हमारे कॉमन मल्टीपल क्या निकल रहे हैं? कॉमन मल्टीपल दोनों में 12 है, तो 12 ही इसका एलसीएम हुआ। ओके, गॉट इट।